जिला मुख्यालय रायसेन से 65 किलोमीटर दूर गाम सिहोरा स्थित राम रसिया सिहोरा धाम में नाग पंचमी के मौके पर सांपों की अदालत लगी। जी हाँ, सुनने में बड़ा ही अजीब मामला लगता है, लेकिन यहाँ के नज़ारे देखकर कोई भी दंग रह जाए। ऐसे स्थान पर इंसान के रूप में सांप आकर अपने ही किए कर्मों का हिसाब देते हैं। यहाँ आकर सांप का काटा हुआ इंसान भी सांपों की तरह हरकतें करने लगता है। फिर शुरू होती है सांपों की अदालत, जिसमें सांप की आत्मा उस पीड़ित इंसान के शरीर में आकर पूरा मामला बयां करती है कि उसे इस इंसान को क्यों काटा। ऐसी मान्यता है कि दरबार की कृपा से सांप के काटे का इलाज हो जाता है, इंसान की जान बच जाती है। रायसेन जिले के छोटे से गांव सिहोरा में भगवान हनुमान का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के पुजारी के अनुसार मंदिर के पास ही शेषनाग का एक स्थान है, जहाँ पर नाग पंचमी के दिन सांपों की अदालत लगती है। यहाँ सर्पदंश से पीड़ित मरीज के अंदर स्वयं नाग की आत्मा आती है और उसे काटने की वजह बताती है, जिसके बाद पंडा बाबा स्थान के महत्व को बताते हुए उसे परेशान न करने की शपथ दिलाकर हमेशा के लिए सर्पदंश से पीड़ित इंसान को छोड़कर चले जाने का हुक्म सुनाते हैं, जिसके बाद सर्पदंश से पीड़ित मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। पुजारी का कहना है कि स्थान पर किसी भी प्रकार के जहरीले जीव जंतु काटने का सफल इलाज किया जाता है। अब इसे लोगों की आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन जो नज़ारे यहाँ देखने को मिले वह भी कम नहीं। यहाँ आकर हर इंसान सांपों की तरफ पुकारने लगता है और मंदिर के चारों ओर लोट लगाकर परिक्रमा करता है। इस अदालत में आकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाता है, जिस पर यहाँ की शक्तियाँ सर्पदंश से पीड़ित इंसान को सांप के प्रकोप से बचा लेती है। इस स्थान पर जिले सहित प्रदेश भर से लोग आते हैं, उनके विश्वास के मुताबिक उनका यहाँ इलाज भी हो जाता है। सिहोरा के राम रसिया दरबार में सांपों की अदालत सन 1984 से लग रही है। हर साल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कई प्रकार के सांपों की आत्मा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों के अंदर समाकर उन्हें काटने के हिसाब किताब की बातें करती हैं। कई सांप जिद भी करते हैं, लेकिन पुजारी उन्हें झाड़ फूंक कर पीड़ित को छोड़ने को मजबूर कर देते हैं। लोगों की इस अनूठी आस्था पर कितना विश्वास किया जाए, अब ये सवाल आपके सामने है। रायसेन से हमारे संवाददाता वीके जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। मान्यता है इस दरबार की, इस दरबार की 40 साल से मानता है कि जो भी पीड़ित होता है सर्पदंश से उसकी फांसी बांधते हैं और इस दरबार में आकर स्वयं अपनी कारण बताते हैं कि किस कारण इस जीव को सताए। कितने लोग आते हैं आपकी नागों के दरबार, कितने लोग आते हैं? लगभग 50 से करीब आते हैं। जैसा कि माना जा रहा है इंसान जो है सांपों के रूप में आते हैं, उनका क्या पूरा जो है समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाता है? और दूसरे बार क्या कहा जाता है कि आप दूसरे बार इनको नहीं डसा जाएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको इस मंदिर से भी आस्था है, आस्था है। अधिकांश इसका पालन किया जाता है, जो बोलते हैं वो यहाँ पर होता है। महिलाएं पुरुष कोई भी हो, जिसको भी सर्पदंश होता है यहाँ पर उनको उनका उपचार होता है, उसके बाद घासी बांधी जाती है और नागों की दरत लगी जाती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आते हो कि आपकी व्यवस्थाओं को देखने नहीं? इस दरबार में आज जब से शुरू हुआ है, जब से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, और यहाँ कोई भी व्यवस्था शासन की आज तक नहीं रही। अच्छा,